भवबंधुओं, महावीर स्वामी के शासन काल में ब्राजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही माँ जिनवाणी का रसपान हमें सिद्धत्व की प्राप्ति कराएगा। भवबंधुओं, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी ग्रंथराज सार समुच्चय ग्रंथ में लिख रहे हैं कि नर जन्म का उत्तम सार आत्मज्ञान संयम धार, आत्मज्ञान पूर्व संयम धार, इस बात को लिख रहे हैं। निर्जन्म फलम सारम यदे तत् ज्ञान सेवनम अनिभूति वीर्यश्च संयमश्चा धारणम। मानव जन्म का यही सार कि अपनी शक्ति को न छिपाकर संयम को धारण कर, अपनी शक्ति को न छिपाकर संयम को धारण कर और आत्मज्ञान की भावना भा। ये आचार्य कुलभद्र स्वामी लिख रहे हैं और अभी उसी को हम ऊपर स्वाध्याय कर रहे थे मूलाचार में, ऐसा श्रावकों को लिखा है और मूलाचार में भटकेर स्वामी ने मुनियों को लिखा है कि अपनी शक्ति अनुसार, जैसा आगम में वचन है मुनियों को 28 मूल गुणों का पालन करना है तो करना, उसमें यदि तुमने कुछ कमी की तो तुम तस्कर हो। यही बात यहां कह रहे हैं। मुमुक्षु जीव के अंतस परिणामों की धारा व्याख्यान कर रहे हैं और यूं कह रहे हैं, ज्ञानी अंतरंग के भावी का भावों का अपहरण मत कर और बाहर वीर अंतराय कर्म का अपहरण मत कर। यदि तुमने परवस्तु को छीना है तो वो भी तस्करी है, परवस्तु को छीना है चुराया है तो वो भी तस्कर है, और पर वस्तु को छीनने वाले तो बहुत देखे हैं, पर निज वस्तु को छीनने वाला स्वयं की चीज को छीन रहा है वो भी तस्कर है। अब बताओ कि स्वयं की चीज कौन छीनता है? कोई छीनता है? अपनी ही चीज अपन ही छीन रहे, ऐसा हो सकता है? यही तो कह रहे हैं वो कि स्वयं में जो तुम बलिष्ठ हो, संयम धारण करने की तुम में शक्ति है, जिन आगम के वचन को तुम स्वीकार नहीं कर रहे और अपनी मनमानी कर रहे हो तो तुम भी तस्कर हो। जो साधना सामायिक इस समय में कर सकोगे, जब शरीर शिथिल हो जाएगा फिर नहीं कर पाओगे। फिर अपने आँख के जब आदमी जब समय आ जाता है नजदीक समाधि का, तो एक साधक अपने पलकों को उठाने में भी बहुत शक्ति लगती है, वो शक्ति छीण हो जाती है। फिर तुम कोई जिनवाणी सुनाएगा तो ये कहोगे भैया बंद कर दो, अब नहीं सुना जा रहा। क्योंकि अंतिम समय में तो जो हम लोग साधना करते हैं किस लिए, इसलिए करते हैं कि हमें अंतिम समय में नवोकार मंत्र याद रहे, पंच परमेष्ठी की शरण याद रहे और कोई याद ना रहे। इसलिए इतनी तपस्या, बस इतनी सी ही तपस्या है। अब आप लोग रामायण सुन रहे हो, रामायण में क्या है, रामायण में क्या है? रामायण में इतना ही है कि राम की सीता को हरण किया, उनने उनकी सीता हरण किया, उनने उनको मारन्ना, इतनी सी तो काथन्ना और तुलसी लिख जाए पोथन्ना। 5 महीने में भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो जैन कुल आपको मिला है, मनुष्य पर्याय इंद्रिय सुकुल सब मिला है, माँ भारती कह रही है बेटे इतने द्रव्य प्राप्त करके तूने विषय भट्टियों में झोंक दिया, तूने क्या किया? एक माँ ने दीपक दिया, बेटे जाओ मंदिर में भगवान की आरती करना
और समय बचे तो इसी दीपक की रोशनी से तुम स्वाध्याय कर लेना। बेटा ने क्या किया, मंदिर ना जाकर जुआड़ियों के अड्डे पर चला गया और जुआड़ियों के अड्डे पर जाकर उसने ताश की पत्तों को देखा, जुआ खेला और रात्रि में भोजन किया। बेटे तूने क्या किया, कारण कार्य विपर्यास कर दिया, जो कार्य करने लायक नहीं था तुमने उस कार्यों को कर डाला। ऐसा होता है, होता है। यही तो हमारी जिन शासन की क्या है, जिन शासन के नियम हैं उनको उल्लंघन करके तुम दुर्गति के पात्र मत बनो। यहां जिन वाणी सुनो और अपना कल्याण करो। साधना का फल तो साध्य की सिद्धि है, साधना का फल ब्राधना नहीं है। कह देना पुद्गल के टुकड़ों को ग्रहण कर रहे हैं, पुद्गल के टुकड़ों को ग्रहण कर रहे हैं, ये साधना नहीं है। एक आचार्य भगवान ने, ये सभी आचार्यों ने ग्रहण किया है, सबने माना है कि पुद्गल का क्या कार्य है, पुद्गल का कार्य है पूर्ण गलन। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी ने एक और नई परिभाषा दी है पुद्गल की, कि जो पुद्गल के द्वारा ग्रहण किया जाए वह पुद्गल है, जो पुद्गल के द्वारा ग्रहण किया जाए वह पुद्गल है। पुद्गल के टुकड़े किसी रूप में कमाए जा सकते हैं। ऐसे तो देखने को मिलता है कि कसाईयों के भी ऐसे पुण्य लाभ अंतराय होता है कि उन्हें छुरी हाथ में होते हुए करोड़पति होते हैं, और हमारा लाभ अंतराय नहीं है तो कितनी ही हम कुछ करें हमें घाटा ही घाटा लगता। ये देखने में आता है कि नहीं आता। तो उसका पूर्व का पुण्य है जो कसाई फलीभूत हो रहा है, और हमारा पूर्व का अशुभ कर्म है जो हम पुण्य करते हुए भी द्रव्य को ग्रहण नहीं कर पा रहे, संग्रहित नहीं कर पा रहे। तो इसको हमें जानना है, इसको हमें पहचानना है कि पूर्व का कर्म भी कुछ होता है और बर्बाद का भी पुण्य हमें भविष्य में काम आता है। तो फलीभूत होते दिखाई देते हैं, पर हमारा कहना है, जिन देव का यही कहना है कि श्री के चक्कर में आकर तुम श्री जी को मत भूल जाना। अरे श्री तो तुम बहुत कमा लोगे, लेकिन यदि श्री जी से छूट गए तो भवों में भटकोगे। इसलिए हमें श्री जी का और जिनवाणी की माँ का शरण नहीं छोड़ना है। यही हमें प्राप्त करना है, यही हमारा जैन कुल सफल हो जाए। और इसी भावना से हम रामायण के लिए चलते हैं, और रामायण में कैसे कैसे लोग यहाँ आए और कैसे कैसे उनने प्राप्त किया। इस भू पर बहुत हुए भूपाल, पर समय पाकर समा गए काल के गाल, पर उनमें से कुछ हो गए निहाल, जो चले जिनवर की चाल, और राम हणु सुग्रीव सुडील, गब गवाक नील महानील, और महा भोपाल की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहाँ से चल करके आए जिनवर के तीन लाल, और उन्हें पाकर चीपी टोला हो रहा खुशहाल। चलो उसी खुशी को आगे बढ़ाते हैं और साख सागर जी के चरणों में चलते हैं कि हमें उस कथा का रसपान कराएं, जिनसे हम भव्यता को प्राप्त करें, हम आदर्श बने, हमारा जीवन आदर्श बने। बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनि महाराज की।